गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज रिवीजन सीरीज में हम पांचवें दोहे को देखेंगे और दोहे के आधार पर दोहे को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन है, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों? परशुराम ने किसे बद्धजोगू कहा है और क्यों? परशुराम के गुरु कौन थे और वे किस प्रकार गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे? साधु लोग किसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं? आयमय खाड़ न रूपमय का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। गाधी सून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? और बार बार उत्तर देने के बाद भी परशुराम लक्ष्मण को क्यों छोड़ रहे थे? और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, लक्ष्मण ने परशुराम को क्या कहा और क्यों? तो इसमें लिखेंगे कि लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि आप मेरे लिए काल अर्थात मृत्यु को बार बार आमंत्रित कर रहे हो, मृत्यु को बार बार बुला रहे हो, क्योंकि परशुराम लक्ष्मण को बार बार मारने की धमकी दे रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर टू में, परशुराम ने किसे बद्धजोगू कहा है और क्यों? तो बद्धजोगू का मतलब है बध करने योग्य, मारने योग्य। तो परशुराम ने लक्ष्मण को बद्धजोगू कहा है क्योंकि लक्ष्मण परशुराम को कटुवाक्य बोलते हुए उनका बार बार मजाक उड़ा रहे थे, उनका बार बार उपहास कर रहे थे। फिर तीसरे क्वेश्चन में, परशुराम के गुरु कौन थे और वे गुरु ऋण से किस प्रकार उऋण होना चाहते थे? तो इसमें लिखेंगे कि परशुराम के गुरु भगवान शिव थे, परशुराम भगवान शिव के शिष्य थे और परशुराम शिव धनुष को तोड़ने वाले को मारकर गुरु ऋण से उऋण होना चाहते थे, गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर फोर, साधु लोग किसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं? तो इसमें लिखेंगे बाल दोष गुण गन ही न साधु। तो साधु लोग, सज्जन लोग बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते, बालकों के गुण और दोषों को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि बालक अबोध होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनमें बहुत समझ नहीं होती। और क्वेश्चन नंबर फाइव में, आयमय खाड़ न ऊखमय का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे आयमय खाड़ न ऊखमय का शाब्दिक अर्थ है कि यह गन्ने के रस से बनी हुई कोई चीज़ नहीं, बल्कि लोहे से बनी हुई कोई कठोर वस्तु है। तात्पर्य यह है कि जिस लक्ष्मण को आप सामान्य राजकुमार समझ रहे हो, वह एक प्रबल योद्धा है, पराक्रमी है और उसका मुकाबला करना इतना आसान, इतना सरल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, गाधी सूनु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें लिखेंगे कि गाधी सूनु शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया गया है क्योंकि वह गाधी के पुत्र थे, गाधी तनय कहलाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन, बार बार उत्तर देने के बाद भी परशुराम लक्ष्मण को क्यों छोड़ रहे थे? तो इसमें लिखेंगे कि बार बार उत्तर देने के बाद भी परशुराम लक्ष्मण को विश्वामित्र की शीलता और विनम्रता के कारण छोड़ रहे थे, क्योंकि पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि उतर दे ते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र तुम्हारी शीलता और तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, मैं इसे बचा रहा हूँ।
इस प्रकार ये क्वेश्चन आप रफ कॉपी में लिखेंगे और इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं।